नमस्कार, मैं हूँ पंडित संतोष भारद्वाज, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तुकार और अंक ज्योतिष का ज्ञाता। आज मैं आपके सामने जो रेखा बता रहा हूँ उसको हम कहते हैं अंतर्ज्ञान रेखा, लाइन ऑफ इंट्यूशन। मैं जब 7th क्लास में पढ़ता था, मुझे तभी से इस विषय में रुचि हो गई। और मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, 3rd-4th क्लास में पढ़ता था, उसके बाद अभी तक मुझे ऐसे लोगों के बारे में अनजाने में पता पड़ जाता है जो लोग किसी प्रकार से मुझे, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे मुझे यह आभास होता है कि ये शायद पूर्व जन्म का कुछ खेल है। मेरे हाथ में अंतर्ज्ञान रेखा स्पष्ट है और इसके साथ एक रेखा और भी है मेरे हाथ में, जो मुझे बताती है कि मैं अपने पूर्व जन्म के किसी शेष कार्य को पूरा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं आपके सामने उस रेखा को बता रहा हूँ जो मेरे हाथ में बचपन से है, वो है ये रेखा। ये रेखा जो बना रहा हूँ वो ये रेखा है। ये बृहस्पति वलय है, ये भी मेरे हाथ में है। तो मैं मुख्य रूप से आज अंतर्ज्ञान रेखा के बारे में बताऊंगा। जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये अंतर्ज्ञान रेखा है, ये वक्र लाइन है। और इसके साथ में मैं आपको इन छोटी छोटी रेखाओं के बारे में बताऊंगा जो हृदय रेखा से नीचे या ऊपर जाती हैं। इसके बाद मैं इन 3 रेखाओं के बारे में बताऊंगा, ये काली रेखाएं जो जीवन रेखा से प्रकट होने के बाद मस्तिष्क रेखा को छू भी लेती है और नहीं भी छूती। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ इन 2 रेखाओं के बारे में, ये ग्रीन लाइंस, जो कि अंगूठे के और शुक्र पर्वत के बीच में मौजूद हैं। और ये रेखाएं भी बहुत कुछ इंसान को प्रदान करती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ डिटेल में। और मैं जब भी विदेश गया, अमेरिका में गया, तो बड़ा अजीब हुआ। वहाँ मिलवॉकी नाम की एक जगह है, वहाँ पर मैंने जो देखा, मैं तो खुद ही आश्चर्य पड़ गया। मुझे वो सारी चीज़ें पहले से मालूम थी, मैं एक एक जगह पूछता गया लोगों से, वो कहाँ हैं वो बताते गए। जैसे कि लोको यार्ड, बनाना गोडाउन, एक क्रॉस था एक जगह पर। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मैंने लगभग 11 बार एक सपना देखा। मैं सिडनी में एक पुल के बाएं हाथ को खड़ा हूँ, मेरे साथी भी हैं 2-1 मेरे साथ इस जन्म में, वो मेरे साथ टीचर हैं। मैं ईश्वर की कृपा से वृंदावन गया तो अचानक ही मेरी नज़र एक मकान के ऊपर गई। वो मकान टूट चुका था। हम जब पहुँचे, गाड़ी वहाँ लगी, तो एक ब्राह्मण बालक पुरोहित था, वो दौड़ा दौड़ा हमारे पास आया और उसने हमसे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई सेवा बताइए। मैंने कहा सेवा तो बताएंगे, पर ये बताओ कि ये जो तालाब है सामने, ये तो पहले एक था, इस पर पटरी कहाँ से? बोले सर बंद मनवाई है ये। फिर उसने बताया कि जब सुनामी आई थी तो उस कुंड का पानी 2500 फुट ऊपर स्वतः आ गया था। फिर मैं बद्रीनाथ धाम गया, जैसे पितरों का श्राद्ध करके मैंने ऊपर उठाया। मैं आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वो दृश्य भी मेरा पहला देखा हुआ है।
मुझे कभी कभी अपने पूर्व जन्मों का थोड़ा थोड़ा एहसास होता है। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, दाखिला भी हो गया, मगर पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। टीचर बना कोई अफसोस नहीं है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं। आज मैं आपको इस लेखा के बारे में जो बता रहा हूं, ये मणिबंद के नीचे से, ये हाथ का ये मणिबंद है, ये नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है, उंगली जो है ये उच्च है, ये निम्न है। यहां से शुरू होती है, निम्न चंद्र से शुरू होती है, गोला बनाती हुई यूं चली जाती है, जीवन रेखा से शुरू होती है, आगे चली जाती है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक ये रेखा, आप देखेंगे ये छोटी सी रेखा है, जीवन रेखा से शुरू हो रही है। एक अन्य रेखा और है, अगर आप देख सकें तो, जीवन रेखा की शाखा आती है और यही रेखा वक्रीय होकर आगे चली जाती है। तीसरी रेखा इसी में से निकल के चंद्र पर आ जाती है। तो पहले एक पूरी स्पष्ट वलय था, वक्रीय रेखा थी मेरे हाथ में, जो उल्टे हाथ में अभी भी मौजूद है, दबाता हूं तो दिखती है, स्पष्ट दिखाई देती है इस तरीके से। तो आभास होता है, स्वप्न में तो मैं अपने जीवन की सैकड़ों घटनाएं पहले से पहले ही देख चुका जो होने वाला है। स्वप्न में जो होते हैं उनको मैं स्वप्न विचार करता हूं और मैं समझ जाता हूं भविष्य में क्या होने की संभावना है। तो मणिबंद क्षेत्र के ऊपर से निकलकर शुक्र के करीब ये रेखा चंद्र के ऊपर से होती हुई राहु क्षेत्र को पार करके आगे जाती है। ध्यान रखिए, ये मस्तिष्क रेखा को पार करके जाएगी तो यम क्षेत्र पार तो कर लेगी, मगर मरकरी को नहीं पर नहीं पहुंचेगी और हृदय रेखा पर नहीं पहुंचेगी। सामान्यतया यह रेखा वक्राकार होती है। जिन लोग हाथ में रेखा होती है उनको ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म, व्यापार, इन सब के अंदर रुचि होती है और वो इन चीजों में सफलता भी हासिल करते हैं। अब मैंने आपको बताया, जीवन रेखा से चंद्र पर होके मस्तिष्क रेखा तक जाए तो जहां तक भविष्य को देखने की क्षमता रखता है, विदाउट लर्निंग एनीथिंग। मैंने तो जब मैं कॉलेज पढ़ता था, अजमेर में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, वहाँ मेरे साथियों को मैं अक्सर हाथ देखता था, जब वो जिद करते थे तो उनमें एक मित्तल साहब थे, बीके मित्तल, बीएड कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाई ये संतोष तो अगर जंगल में भी चला गया तो इसके पास तो खाना वहाँ अपने आप ही आ जाएगा। देखता हूँ कि उनकी बात भी सत्य है और ईश्वर ने कभी भूखे पेट नहीं सोने दिया। स्वतंत्र रेखा के रूप में उदय होने के बाद वक्राकार मार्ग पर चलती हुई जब ये रेखा आगे बढ़ती है तो जातक को सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है। वो ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, पूर्व जन्म के संस्कारों से उसको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होता है और अगर वो अध्ययन करे तो सोने में सुहागा और ब्राह्मण हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। भविष्य वो देख लेता है, अंतर्ज्ञान उसको प्राप्त है। यदि दो रेखाएं या तीन रेखाएं जीवन रेखा से शुरू होकर मस्तिष्क रेखा की ओर जाएं तो जातक परमानंद की अवस्था प्राप्त कर लेता है। परमानंद माने नथिंग इज
ग्रेटर देन परमानंद। परमात्मा को प्राप्त करने की अवस्था ही परमानंद है, मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था भी परमानंद है, मुक्ति की अवस्था भी परमानंद है। यदि ये दो तीन रेखाएं मस्तिष्क रेखा पर जाने का प्रयास करें या रुक जाएं, और हृदय रेखा से बारीक बारीक रेखाएं मैंने आपको भी दिखाई थी, लाल और काली रेखाएं जो हृदय रेखा से निकल रही हैं, तो जातक भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है और प्रेम साधना में लीन हो जाता है। और अगर ये दो तीन रेखाएं मस्तिष्क रेखा तक पांच तक पहुंच रही हैं, टच करें या ना करें, मंगल उच्च हो, उभरा हुआ हो, उच्च मंगल उभरा हुआ हो, ज्यादा उभरा ना हो, सामान्य रूप से उभरा हुआ हो, मस्तिष्क रेखा शुरू में फॉग्ड हो इस तरह से स्टार्टिंग में, और बृहस्पति का वलय मैंने आपको दिखाया अपने हाथ की उस रेखा के साथ जो लेके मैं पैदा हुआ हूं, कि मुझे अपने पिछले जन्मों का किसी जन्म का एक कार्य पूरा करना है। अनजाने में ही मेरी रुचि बचपन से ही ज्ञान में हो गई, मैं आज हिंदुत्व के बारे में लिख रहा हूं, मैंने भागवत गीता का पूरा ट्रांसलेशन किया है संस्कृत में, इंग्लिश में, इंग्लिश संस्कृत से हिंदी और इंग्लिश में, आपको अच्छा लगेगा। मैंने काफी विषयों पे लिखा है, आपको अच्छा लगेगा। अब जब ये वलय उपस्थित हो तो जातक को एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की इससे बड़ी अवस्था नहीं होती। अब अंगूठे के मूल में इस जगह पे दो रेखाएं जैसे मैंने बोर्ड पे आपको दिखाई थी, ग्रीन लाइंस दिखाई थी, अगर ये दो रेखाएं उपस्थित है हाथ में तो जातक को अदृष्ट होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ही कैन बिकम इनविजिबल एट हिज विल। और ऐसे लोग अक्सर भू समाधि भी ले लेते हैं। ये दूसरी बात है कि भू समाधि लेने के बाद भी वो लोगों को अक्सर दिखाई देते हैं, निद्रा में नहीं, होश में, ये सत्य है। इस प्रकार की कई घटनाएं हमको मालूम हैं। अब जिस वक्त ऐसा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका शरीर बगैर जलाए बगैर दफनाए स्वतः पंच तत्व में विलीन हो जाता है। मैंने आज आपको बहुत संक्षेप में इस विषय के ऊपर बताया है, और यदि आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहेंगे तो मैं फोकस कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर, आप उसको देखिए। ये चैप्टर आपको मिलेगा लाइन ऑफ इंट्यूशन अंतर्ज्ञान, ये ट्रीटाइज ऑन पामिस्ट्री, हस्तरेखा शास्त्र, और ये राइटअप है bharatiyashiksha.blogspot.com और santoshhastrekhashastra.wordpress.com के ऊपर। अब मैं आपको अपना लैपटॉप दिखा रहा हूँ, आप इसको पढ़िए और आपको अच्छा लगेगा, ये इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं थोड़ा थोड़ा करके नीचे ले जाऊँगा और इसके बाद मैं आज के इस वार्तालाप को विश्राम दूंगा। ये चित्र है फिगर नंबर 1, ये इलस्ट्रेशन के लिए है। इसके बाद ये फिगर नंबर 2 है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको। ये फिगर नंबर 3 है। तो इनको आप स्टडी करिए और आपको भविष्य के बारे में बहुत कुछ स्वतः आभास हो जाएगा। फिगर नंबर 4 है ये, और ये फिगर्स मैंने खुद ही ड्रॉ की हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। मैं हस्तरेखा की प्रैक्टिस भी करता हूँ, आई एम एन कंसल्टेंट, आई गिव माय एडवाइस ओवर द मैरिटल रिलेशंस एज वेल।
ऑकेजनली दोज पीपल हु आर अनएबल टू सेटल इन देयर लाइफ दे कम फॉर नेगोशिएशन इन केस ऑफ डाइवोर्स एंड आई ट्राई टू सेटल देम देयर मैरिज। अब तक 11 केस आ चुके हैं इस तरह के जहां मियां बीवी में सुलह सफाई नहीं हुई थी, ईश्वर की कृपा से उनमें से 9 केसेस में कामयाबी हुई हासिल, और जो 2 केसेस में कामयाबी हासिल नहीं हुई उनमें तो एक तो लड़की मेरी रिलेटिव है और दूसरे मेरे